दोस्त लोग, द कॉर्निया इंप्रेशन में आप लोग का स्वागत है। आज क्या चला रहे हैं हम लोग? हम लोग चला रहे हैं वोक्सवैगन की टी रॉक आर लाइन। आर लाइन का मतलब क्या है? आर लाइन इसका मतलब इनकी टॉप ऑफ द लाइन कार है, जहां पर तकरीबन सब ऑप्शंस दिए गए हैं। बॉडी किट है, बैजिंग है, अलॉय व्हील्स है, लेदर इंटीरियर्स है, वगैरह वगैरह। जो गोल्फ आर है उसमें एक्चुअली काफ़ी परफॉर्मेंस अपग्रेड होते हैं गाड़ी में, पर बाकी मॉडल में वोक्सवैगन के अंदर आर लाइन का सिर्फ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स होता है। आप देख सकते हो ये फेसलिफ्ट है, तो नए हेडलाइट्स है, आर लाइन बैजिंग है, यहाँ पर वोक्सवैगन का मिनिमलिस्ट लोगो है, नए फॉग लैंप्स है, यहाँ पर बम्पर वेरी सिमिलर है पुराने वोक्सवैगन मॉडल की तरह, और जो पूरा शेप डिज़ाइन लुक है गाड़ी का वो वोक्सवैगन के सब एसयूवी मॉडल से मैच करता है। आइए साइड्स के बारे में बात करते हैं। साइड्स के बारे में बात करते हैं, आपको दिखा दूँ कि इसके पास में ब्रांड न्यू 19 इंच अलॉय व्हील्स है, आर बैजिंग यहाँ पर है। क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है तो इसके पास टू टोन पेंट है, तो यहाँ पर ब्लैक आउट रूफ है पूरा और बॉडी पेंट यहाँ पर है। रूफ रेल जो है ये स्टोरेज के लिए बने हुए हैं, आप यहाँ पर साइकिल डाल सकते हो। स्टोरेज यूनिट जो आता है वोक्सवैगन का पूरा या थुले का, अलग अलग ब्रांड्स का, आप लोग इंस्टॉल करके इसको रूफ पे स्टोरेज कर सकते हो। बाकी आप देखेंगे साइज काफ़ी अच्छी छोटी सी साइज़ है, मतलब आप शहर में गाड़ी को आराम से चला सकते हो। हाईवे ड्राइविंग के लिए भी बहुत ही अच्छी गाड़ी है। तो आप देखोगे तो ये डिज़ाइन की गई है एक सिटी ड्राइविंग पर्पस के हिसाब से। टी रॉक के बैक साइड के बारे में बताते हुए आपको दिखा देता हूँ मैं। इसके पास में एक रूफ स्पॉइलर है यहाँ पर, टेल लाइट सिमिलर है डिज़ाइन में पहले जैसे, और वोक्सवैगन के लोगोज यहाँ पर है। काफ़ी ब्रांड्स अभी मॉडल बैजिंग यहाँ पर लिख के आ रहे हैं पूरे लेंथ पर, जितना लंबा नाम है उतना स्पेस यूज़ कर लेते हैं वो लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका रियर एग्जॉस्ट है, ये दिखने में काफ़ी अच्छे है। गाड़ी इतनी पावरफुल नहीं है कि इसको इतने मोटे चौड़े एग्जॉस्ट चाहिए, पर दिखने में काफ़ी कूल है। आइए अंदर के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर के बारे में बात करते हुए बता दूं कि ये एक ट्रेडिशनली एक वोक्सवैगन इंटीरियर है, जो आपको कहीं से भी मालूम पड़ेगा कि ये वोक्सवैगन की गाड़ी है। इसमें आइडेंटिफाइंग फीचर कोई नहीं है कि ये टी रॉक है या टाइगोन है या टिगुआन है, सब एक जैसा ही लगेगा आपको। बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में। स्टीयरिंग व्हील बड़ा नाइस चंकी सा स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम है आर लाइन के साथ में, थोड़ा स्पोर्टी लुक देने के लिए आर लाइन बैजिंग है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके पूरे इंफोटेनमेंट के टच बटन्स है, जो बड़े बड़े काम के नहीं है। मज़ा ही नहीं आता मुझे, क्योंकि ये काफ़ी बार बटन दब जाते हैं जब आप गाड़ी चला रहे हो, और काफ़ी कंफ्यूजिंग है यूज़ करने के लिए। आप गाड़ी चलाते हुए इसमें कंफ्यूज हो सकते हो और डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे डिफ़िकल्ट लगता है यूज़ करने के लिए। ये टच स्क्रीन है, जो इसके अंदर आपके सब फीचर्स है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास में वायरलेस चार्जिंग है और केबल भी है, इनकेस आपको वायरलेस चार्जिंग यूज़ नहीं करना है। ये जो डिस्प्ले है सामने, डिजिटल डिस्प्ले है, बहुत ईजी यूज़ करने के लिए और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी एसी वगैरह के फीचर्स यहाँ पर है। स्पेस वाइज चार जन के लिए काफ़ी स्पेस है, चार जन कंफर्टेबली बैठ सकते हैं आगे पीछे, पर चार जन से ज़्यादा यहाँ पर टाइट हो जाएगा। पैनोरामिक रूफ आप देख सकते हो, फुल बॉडी लेंथ का पैनोरामिक रूफ है यहाँ पर। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस कार में। वोक्सवैगन का ट्रेडिशनल बिल्ड क्वालिटी हमेशा प्रीमियम टाइप और टॉप ऑफ द लाइन टाइप बिल्ड क्वालिटी दिया उन्होंने अपने प्राइस सेगमेंट में, जो यहाँ पर मेंटेन है। प्लास्टिक्स की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, थोड़े हार्ड है, बट इस काम के लिए चल जाएंगे। वोक्सवैगन टी रॉक आर लाइन की सबसे कूलेस्ट चीज़ है इसकी सीट्स। आप सीट्स का डिज़ाइन देख सकते हो कि इस पर कैसा एक कार्बन फाइबर का वीव दिया गया कपड़े के ऊपर, जो काफ़ी क्लासी लगता है और काफ़ी एलिगेंट दिखता है। स्पोर्टी लुक देने के चक्कर में उन्होंने बकेट सीट्स टाइप लुक दिया है यहाँ पर, तो जो मोटे लोग होंगे उनको शायद से ये अनकम्फर्टेबल लगेगा। बट ऑल इन ऑल इंटीरियर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ईजी टू यूज़ है और फंक्शनल भी है। जो आर लाइन है उसके अंदर बीट्स का ऑडियो सिस्टम भी है, जो यूज़ कर सकते हैं गाना बजाने के लिए। अभी उसको लेके चलते हैं हम ड्राइव पे और आपको बताते हैं कैसे चलती है ये गाड़ी। इस गाड़ी के अंदर एक चार सिलेंडर 1.4 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है, जो 150 हॉर्स पावर बनाती है। 8 स्पीड डीएसजी या डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, और गाड़ी को भगाने को या भागने को मजा आता है। ये गाड़ी ऐसी है जो आप एक्चुअली लेके मॉडिफाई भी कर सकते हो और ट्यून भी कर सकते हो, और आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। ब्रेक्स अच्छे हैं, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, और निम्बल और अजाइल गाड़ी है। अगर आप इसको राउंड अबाउट पे ले जाओगे तो काफ़ी ग्रिप मिलता है आपको, और काफ़ी स्पीड से आप राउंड अबाउट
ले भी सकते हो और चला भी सकते हो। तो गाड़ी के अंदर काफी काफी परफॉर्मेंस छुपी हुई है। आप पैडल शिफ्टर से मैन्युअली टिकट बदली कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ। नॉर्मल ड्राइव मोड भी है और स्पोर्ट मोड भी है इसके अंदर। ऑल इन ऑल मुझे गाड़ी ये काफी पसंद आई है। मुझे प्रीवियस जनरेशन जो टी रॉक थी वो भी पसंद आई थी और ये भी मुझे पसंद आ गई है। अगर आपको एक सिटी कार चाहिए जो हाईवे पे भी चल सके, एवरेज अच्छा दे, परफॉर्मेंस मॉडिफाई कर सके, फैमिली को उठा पाए, कंफर्टेबल हो वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट गाड़ी है। तो मैं कहता हूँ वोक्सवैगन को लिखिए कि भाई हमें टी रॉक चाहिए इंडिया में, और देखते हैं अगर वोक्सवैगन हमारी बात मानती है नहीं। अगले वीडियो में जरूर मुलाकात करेंगे। बाय।